Life is supposed to brim with hope and happiness for everyone, but for some, neither hope nor happiness had any meaning till they came to Jagriti Girls' Home. Happiness, joy, safety, security, respect, life and love, all of these are in abundance here. A place where giggles never stop. Sleep is never hampered. Food is never less. And peace is unhindered. Jagriti Girls Home, a home for girls who do not have one but seek one. अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं घूम रही होती रोड पर और सेफ नहीं होता मेरे। मैं अपनी जो पोजीशन जो मम्मी पापा का जो होता है अब मैं उनको देती हूँ, बट मुझे एक अलग एक नया न्यू आइडेंटिटी मिला है होम में आके। जागृति में आके मैं अपना एक ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ। What started as a community initiative out of compassion for slum children grew into a streamlined, meticulous effort in the form of Jagriti, a pioneering society, an organization that works towards education, health, women empowerment, and community development. राइट फ्रॉम 96 से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसे हम हेल्प कर रहे थे, जैसे स्लम एरिया का, कि उनका एजुकेशन के लिए या उनका जो भी वेलफेयर के लिए कुछ भी ट्रेनिंग के लिए हो सकता है। तो हमारे जितने फ्रेंड सर्कल थे, हम लोग थे इन्वॉल्व, तो हम सबसे कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर रहे थे। लेकिन हमने जैसे जैसे टाइम आगे गया, हमने बहुत सारे बच्चों को उनका नीड देखा और कई जगह हमने रिकमेंड किया लेकिन नहीं हो पाया। तो उस टाइम फिर हमने सोचा कि नहीं, हमको कुछ ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट करना है जहाँ पे कि हम कुछ बच्चों को रखें और उनको फैसिलिटी दें, पढ़ाएं उनको, बेसिकली उनको पैरों पे खड़े करें। Jagriti Girls Home is one of the oldest initiatives towards providing for the fundamental necessities of food, shelter and education, along with safe environment for girl children. ये जो बच्चे हैं ऐसे बैकग्राउंड में हैं जिनके आज यहीं से जाएंगे तो उनके पास कोई जगह नहीं है या कोई लोग नहीं है जिनके पास जाके ये रह सके। स्लम में बच्चों की स्टडीज पर या एजुकेशन पर हम काम कर, क्योंकि बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो रहा था और फैमिली में हो रहा था, तो फैमिली वाले तैयार भी नहीं थे बताने के लिए कि हाँ ऐसा हो रहा है घर के अंदर। वो चाहते थे कि बच्चे को ले जाओ यहाँ से, बच्चे को ले जाओ और बच्चे को आप अपने पास रख लो। तो दैट वॉज़ द रीज़न कि मैंने सोचा चलो लड़कियों के लिए काम किया जाए। कितना मुश्किल है एक 2-3 साल की बच्ची के लिए ऐसे एटमोसफियर में स्ट्रगल करना, तो ये रीज़न था कि वो लड़कियों के लिए स्टार्ट किया हमने जागृति। बिगनिंग में जब बच्चे आए थे, क्योंकि ये बेसिकली स्लम से आए थे, तो उनके पास तो खाना नहीं था। ये बच्चे स्ट्रगल करते थे कि उनके पास कभी 2 वक्त की रोटी उनको मिला नहीं है। तो जब ये आए यहाँ पे, तो इनको जब खाना दिया गया, दाल चावल है, उसमें से सिर्फ चावल खाते थे, क्योंकि उनको सब्जी और दाल इसका कुछ पता नहीं कि ये क्या करना है। तो इनको बेसिकली ये था कि मैं कितना खाऊं। उनके लिए जो सबसे बड़ी बात थी उस बिगिनिंग स्टेज में, ये बच्चों के लिए खाना इम्पोर्टेंस था। इनको अच्छा, हमको कन्विंस करने में, उनको समझाने में 2 साल लग गए। 2 साल के बाद इन्होंने धीरे धीरे फिर दूध रेगुलरली पीना शुरू किया, बाकी इनका हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ और ये अच्छे से आगे बढ़ पाए। लास्ट 4 ईयर से जैसे जैसे मैंने जितने भी बच्चों के साथ जो है कॉन्टैक्ट में आया, मैंने देखा बच्चे जो है अच्छे, बहुत अच्छे कर सकते हैं। इनफैक्ट उनको जो है सो वो गाइडलाइंस चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म चाहिए था।
और अगर एजुकेशन ये गेन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है जो कोई कुछ भी इनका जो प्रीवियस हिस्ट्री रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। Nazma was the very first girl at Jagriti Girls Home. She was 5 then, a rag picker. Today, she is 21 and works with Ministry of Tribal Affairs. Her story reflects hope. अगर मैं होम नहीं आती तो जो मुझे अभी मिला है, एक रिस्पेक्ट मिला, एक आइडेंटिटी मिला, एजुकेशन मिला है, प्रोटेक्शन मिला है और जो प्यार मिला और एक फैमिली मिली है बहुत बड़ी, वो मुझे नहीं मिलता। अगर मैं होम नहीं आती तो मेरा जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जो मेरा एक स्लम में जैसे होता है लोग रहते हैं वैसे ही होती मैं। जो मुझे यहाँ पे आने के बाद मिला है, मुझे मैंने 10th किया, फिर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 12th भी कर पाऊँगी, फिर मैंने 12th किया, फिर मैं ग्रेजुएशन भी मेरा हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं पढ़ना लिखना और समाज में खड़े होना सीखी हूँ। Sony was 15 when Jagriti family embraced her. Her story reflects how she defeated the demons of her past and surged ahead. मेरे साथ रेप हुआ था ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया था, दूसरे होम से शिफ्ट किया था। मैं पहले जब थी अपने घर पे मतलब, तो मैं फर्स्ट टू 15 साल तक मैंने पढ़ाई नहीं किया था स्टार्टिंग। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट क्लास अपने 15 एज में। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती सेफ नहीं होता मेरे लिए, मतलब मैं बहुत अलग जगह होती। ऐसी लोगों बीच में रहना स्लम्स के साथ और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बुरी आदतों में। मेरा सपना पूरा हो गया कि मैंने पढ़ाई की और मैं आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी पढ़ाई, नर्सिंग के लिए जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस होम के इंचार्ज है उनके वजह से आज मैं यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। Nasreen's story is a story of determination. She never looks back now. मेरे को देखे इतना ज़्यादा potential था नहीं कि उनमें मेरे को support कर सके या फिर एक safe environment दे सके। But जब हम मैं यहाँ पे आई इस home में, तो मेरे को बहुत वो opportunities मिली हैं जो बाकी बच्चों को नहीं मिली, जो अभी भी हैं वहाँ पे। तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं यहाँ पे आई हूँ एंड आई हैव दैट बेटर प्लेटफॉर्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड अभी मैं नर्सिंग के लिए फर्सी करने जा रही हूँ मध्य प्रदेश छतरपुर में। मेरे को अच्छा एजुकेशन मिला है एंड दे हैव गिवन ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट जो देना चाहिए एक बच्चा को। कुसुम केम व्हेन हर फादर डाइड। टुडे शी इज़ वन ऑफ द सपोर्ट पिलर्स ऑफ डे टू डे वर्किंग ऑफ द होम। जब मैं 5 साल की थी तब मैं यहाँ पे आई थी, अभी मैं 21 की हो गई हूँ। और मेरी फैमिली में जो भैया है वो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी नहीं है मेरे घर पे जो मेरे को यहाँ पे मिलती है। मैं उज्जवल भविष्य देखती हूँ अपना और मैं अपनी जैसे मेरे को यहाँ पे मिला है वैसे मैं और लोगों को भी देना चाहती हूँ। हमारी होम में जैसे नायरा आई है छोटी सी, तो मैं उसको भी एजुकेशन देना चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से पढ़े और अच्छे से वो भी अपना फ्यूचर बना पाए। एंड दिस इज नायरा, प्रेजेंटली द यंगेस्ट वन। शी इज अबाउट टू राइट हर स्टोरी एट द होम। Dedication, perseverance and commitment to serve has brought the founders Vikas Deep and Maheshwari till where they have reached. The path may have been steep, but the journey was steady and they have many more milestones to touch upon. So our first priority is that we इस तरह के कुछ एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, ताकि ये अपने पैरों पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर खड़े रहें। उसके बाद वो जो इंडिपेंडेंटली जो डिसाइड करें जैसे आगे जाना चाहते हैं उस हिसाब से आगे पढ़ें। जैसे हम अभी कुछ बच्चे जैसे ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया, फिर अलग अलग परस्यू कर रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोई फॉरेन लैंग्वेज में, ताकि उनको वो एरिया एक्सपर्टाइज मिले, ताकि वो उस एरिया में एक्सेल करें। जैसे हमने अभी कुछ हमारे 7-8 बच्चों को अभी नर्सिंग ट्रेनिंग में भेजा।
सोशल एक्सेप्टेंस हाँ बहुत, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत आ गई है। तो इन्होंने हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में एक्सेल किया है और अपने आप को प्रूव किया है। जागृति गर्ल्स होम थ्रॉब्स विद लाइफ, अ लाइफ दैट वाज लॉस्ट समवेयर फॉर दीज गर्ल्स। इट इज हियर दैट दे फाउंड इट बैक।